नमस्कार, वेलकम टू ऑल आवर बीबीएसई डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कंबंशन, फ्लेम और तमाम कंबंशन फ्लेम से रिलेटेड जो है डिफिनेशन हम लोगों ने समझी थी। आज इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और आज इस चैप्टर के तीन पॉइंट, मैंने दो पॉइंट मैंने पिछले भी वीडियो को रिवाइज किया था, आज मैं फिर से उसको पूरी बुक से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो जो आपकी बुक की लाइन है, जो आपको बुक में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक है, आप जितनी इसकी चर्चा करेंगे उतनी ही ज्यादा आप इसके एक्सप्लेनेशन होंगे। तो ध्यान से इस बातों को सुनिएगा, अच्छी अच्छी बातें भी होंगी आपके साथ यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड, और बुक्स की भी रीडिंग होगी। आप बुक्स रीडिंग किया कीजिए, बुक्स रीडिंग करने से आपकी स्पेलिंग सही होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, हर चीज आपकी सही होगी। इसी असल साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा जो चैप्टर कंबंशन एंड प्लेन, कंबंशन एंड प्लेन, चैप्टर कंबंशन एंड प्लेन, ओके, डिफॉरेस्टेशन। बच्चों, दुनिया में अगर सबसे बड़ा अच्छा काम बोला जाए, द गुड वर्क इन द होल वर्ल्ड, दैट इज, वो क्या है? गुड वर्क क्या है? आपका पेड़ लगाना। और सबसे बुरा काम, बैड वर्क, वो क्या है? पेड़ काटना, जरूरत से ज्यादा काटना, क्योंकि पेड़ काटने की आवश्यकता भी पड़ती है। जंगलों से लकड़ियां न मिले तो बहुत से लोगों के घर में खाना कैसे बनता, लेकिन टूटी हुई लकड़ियां अलग बात, लेकिन यहां तो लकड़ियों के साथ साथ पूरे के पूरे जंगल ही साफ कर देते हैं। तो फॉरेस्टेशन की इंपॉर्टेंस को इस बुक में बहुत ही शॉर्ट में बताया है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के इस बुक की लाइन को समझाता हूं, आपको और चीज क्लियर। For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel. बहुत पहले, सदियों पहले, ये जो wood है ये domestic use होता था, इसका व्यापार का, व्यापारीकरण यूज होता था, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियों में इसका काम होता था। But now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. लेकिन आजकल रिप्लेसमेंट हो गई है, बहुत सारे फ्यूल्स आ गए हैं, एलपीजी आ गया है, केरोसिन आ गया है, डीजल आ गया है, ऐसे बहुत सारे केमिकल आ गए। पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल, पीपल जो होता है फ्यूल को किसकी तरीके से यूज करता है? फ्यूल की तरीके से, गुड। इट इज इजीली अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, ये जल्दी से अवेलेबल हो जाता है, दूसरे के पेड़ काट लो, कौन सा बना है तो आसान भी होता है, अवेलेबिलिटी होती है, होती है। हाउएवर, बर्निंग आउट वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक व्हिच इज वेरी हार्मफुल ह्यूमन बीइंग्स। जबकि ये भी है कि जब ये कोल जलती है तो बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत धुआं निकलता है, सब जानते हैं, धुआं ऐसा निकलता है, धुआं कैसे जमीन में लगते हैं, हटाव हटाव करने लगते हैं। इट कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये आपके अंदर की रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस, ट्रीज हमको और अच्छे अच्छे सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, चेयर्स, फर्नीचर्स, मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर नीडेड इन अराउंड अस, दे आर नीडेड बाय द वुड एंड आल्सो द फूड वी विल गेट बाय द वुड। Moreover, cutting of trees leads to deforestation. इसलिए मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्री को काटना ही deforestation कहलाता है, ज्यादा से ज्यादा ट्री को काटना deforestation कहलाता है। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड कॉल्ड, ये आप इसको डिफॉरेस्टेशन, विच इज क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, एज यू
learn in class 7 और environment नाम के chapter आप class 7 में अच्छे से पढ़ा होता। तो आप भी first question के लिए मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा बेटा, जैसे हम आप होते हैं वैसे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कटने पे हमको आपको दर्द होता है वैसे पेड़ों पौधों को दर्द होता है, इसलिए पेड़ पौधे जरूरत से ज्यादा न काटे, बेवजह न काटे, शौक के लिए न काटे, उल्लास के लिए न काटे, मौज मस्ती के लिए न काटे, और अगर आप काट रहे हो तो चार लगा भी दें, बस काटना ही रह गया क्या, मकान बनाने के चक्कर में पेड़ कट रहे हैं, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने के चक्कर में चार लोग हैं लेकिन 40 बीघे की इनको जमीन चाहिए रहने के लिए, क्यों पेड़ काटेंगे? इससे सबसे बड़ा नुकसान ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, ऐसी डिफॉरेस्टेशन में जो ट्रीज कटते हैं वो ऑक्सीजन के सोर्स होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम जिंदा ही मर जाएंगे, हमारे जिंदा रहने के साथ हम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बाकी हम किस तरीके से काम करेंगे। ये हमारा डिफॉरेस्टेशन टॉपिक क्लियर है, मैं आपसे चाहूंगा मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, राइट द 22 पेज ऑन द डिफॉरेस्टेशन, राइट 2 पेज ऑन डिफॉरेस्टेशन। नाउ इनका एक पॉइंट और उसने कहा है, दूसरा हमारा ग्लोबल वार्मिंग, कंबंशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, जब फ्यूल्स क्या होती है कंबस्ट होती है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है इन द एनवायरमेंट, जब कंबंशन फ्यूल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है रिलीज करती है, और सारी चीजें कार्बन से मिलकर की बनी हुई है, कोई भी चीज जलेगी तो बेटा क्या होगी कार्बनिक ज्यादा है हमसे, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जितना ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पड़ता है इट इज कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दो तरीके से आपको समझ में आएगी, एक तो वो ट्री आप काटेंगे तो भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन बेस्ड सब्सटेंस आप जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, मैं आपको बताता हूं, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है कि अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या करना बढ़ना, दिस रिजल्ट्स अमंग्स अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स, ऊंचाई ऊंचाइयों के ग्लेशियर्स होते हैं इसी वजह से क्या हो जाते हैं गर्मी की वजह से हीटनेस की वजह से क्या हो जाते हैं गल जाते हैं, विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, जो जब ग्लेशियर बड़े बड़े पहाड़ जब पिघलते हैं अल्ट्रावायलेट की रेजेस भारी भारी रेजेस जो अति गर्म गर्म रेजेस हम जब आती हैं बाहर पेड़ काट देंगे तो जो लेयर्स भी कमजोर हो जाएगा सीधे आएंगी ग्लेशियर्स के पोलर्स के रीजियंस पर और गलाएंगे, विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, जो समुद्र की सतह बढ़ जा जो समुद्र की सतह को बढ़ा देंगी लेवल को, कासिंग काजिंग फ्लड्स बाढ़ का कारण बनेगी इन द कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे समुद्र के पास पास और पहाड़ियों पर और इन सब पर जो बसे हुए हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनकी जान माल का भी नुकसान हो सकता है, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, जो नीचे रहते हैं वो परमानेंटली ही सबमर्ज्ड होते हैं वाटर से क्योंकि ग्लेशियर्स जब पिघलता है तो सी लेवल बढ़ेगा और जितने नीचे और ऊपर से नीचे पानी आएगा तो बेटा जितनी गहराई पाएगा उतनी बढ़ जाएगा,
इतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो डोंट इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ओके, लेट्स टेक द लास्ट हेडिंग, एसिड रेन। यहां तक समझ में आ गया होगा, सब लोग बुक लेके बैठे होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, एसिड रेन। बर्निंग अप कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब डीजल और पेट्रोल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इट इज एन ऑक्सीजन, इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोराइजिव गैस। ये सफोकेटिंग गैस होती है, दम घुटाने वाली गैस होती है, कोराइजिव होती है, दम लगने वाली गैस होती है। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जबकि पेट्रोल इंजन भी क्या कहते हैं, गिव्स ऑफ छोड़ते हैं गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, कौन कौन से, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर, रेन वाटर से क्या होती हैं, मिल जाती है वेपराइजेशन करके एंड फॉर्म एसिड। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है बेटा, एसिड। और जब ये बरसती हैं, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। ये क्या होती है, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होती है, बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल होती है, बिल्डिंग सड़ जाती है, डार्क उसमें बहुत सारे इंसान पड़ जाते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप ऑल्सो, सॉइल फर्टिलिटी को भी घटा देते हैं और तमाम ऐसी प्रॉब्लम। जब हम इसे ऐसी देर होती है, पहले कहा जाता है कि बाहर पहली बरसात में न निकले, क्योंकि तो पहली बरसात में ज्यादा से ज्यादा जो उबले हुए होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो जुड़े हुए होते हैं, ये मिल जाते हैं, पॉइजनस कर देते हैं उनको, एसिड बना देते हैं दोनों मिलकर। तो जब बरसात पहली होती है तो ज्यादा से ज्यादा एसिड की मात्रा ही क्या होती है, उससे तुलसी पुड़िया तमाम तरीके निकलने की टेंशन होती है, इसलिए पहली बरसात ही नहीं मिल जाता। आज की टॉपिक और आज का चैप्टर यही फिनिश होता है। अब जो आपको प्रॉब्लम हो आप उससे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। बस आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।